ना ना, अरे एनिवर्सरी है, बड़े थोड़ी है। कुछ कुछ कुछ। ओहो, 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 वाह वाह, क्या बात है। डांस करना किसे आता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज है 14th अप्रैल और आज का दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। हमारी शादी को हो चुका है पूरा एक साल। सो आज का दिन मुझे याद है, हम लोग मंदिर में थे। एक्चुअली हमारी शादी मंदिर में हुई थी। सो आज मंदिर में थे, बस शादी करके निकल रहे थे इस टाइम पर। थोड़ा ओ माई गॉड, क्या मोमेंट था लाइफ का वो ना। और आज एक साल पूरा हो चुका है, सो फीलिंग वेरी एक्साइटेड। एक साल में काफ़ी कुछ हमें नए नए एक्सपीरियंस मिले और हमें बहुत मजा भी आया। बहुत ज्यादा हाँ। बहुत लड़ाई जंगे पता नहीं क्या क्या, क्या, क्या कर रहे हैं। सब मस्ती भी करी हमने दो, फिर वो डंडे हाथ में आ गए थे, डंडे एक मेरे किसके वो भी मेरे हाथ में, बेलन इनके हाथ में, झाड़ू। और एक साल में हमें सबसे पहला हमारा गिफ्ट जो कुदरत ने दिया, हाँ तुम्हारा ही ले रहा हूँ बच्चा, ये मेरी बच्ची, देखो देखो देखो, ये मेरी यशवी, मेरी बेटी है। अले अले अले, पापा ने आपका वीडियो नहीं बनाया। ओके, सो एक साल के बाद लाइफ में मेरी बेटी आ चुकी है। सो हम पेरेंट्स बन चुके हैं। सो आई मीन, अब मैं क्या बोलूँ यार, एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, फीलिंग वेरी एक्साइटेड। हाँ, तो सुबह हमने डिसाइड किया था कि आज सबसे पहले हम जाएंगे मॉल 12-1 बजे के आसपास, और फिर वहाँ से जाएंगे मंदिर शाम को 5 बजे के आसपास, फिर गौरी के घर जाएंगे और फिर वहाँ से घर पर आएंगे, और गौरी के घर में केक वगैरह काटेंगे कुछ जो भी थोड़ा, लेकिन डिले हो गया काम थोड़ा। तो अभी हम घर पे पोहा बना रहे हैं पहले, कि थोड़ा पोहा खाएंगे उसके बाद मॉल चलेंगे, क्योंकि भूख बहुत लगी है, 1 बज चुका है दिन का। सो अभी थोड़ा हंगर को थोड़ा डाउन करते हैं, फिर मॉल चलते हैं, फिर वहाँ पे देखते कुछ खाने का तो खाएंगे, वरना घूमेंगे थोड़ा, गौरी को शॉपिंग करनी कुछ थोड़ी बहुत, और फिर जाएंगे गौरी के घर पर, और फिर वहाँ पर थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, और फिर वहाँ से यहाँ पर। सो देखते शेड्यूल किस तरह का रहता है हमारा आज का। और बस यार, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मेरे बच्चे, आज तो पापा की एनिवर्सरी है बच्चा। ओ लो लो लो, मेरी बच्ची। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपकी आपकी बेटी आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे हाजिर होती है, सीरियसली। सो बस यार, मैं चाहता हूँ लाइफ में हम सब ऐसे खुश रहें, और मैं गौरी की हर एक विश को पूरी कर सकूँ, मेरी बेटी की भी हर एक विश को पूरी कर सकूँ, और ये दोनों मेरी विश पूरी करने में मेरी मदद कर सकें। हालांकि करते बिल्कुल नहीं है, खाली बस ऐसे ही, खाली नाम के ही दोनों, मुझे करनी पड़ती इनकी विश। ये देखो 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 देखो, एनिवर्सरी कितनी खुश है। आज हम बाहर जाएंगे, कितने दिन बाद, बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद मैं गौरी को मॉल पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कई टाइम से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी की वजह से उसकी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, और ठंडी भी थी बहुत तब, तो हम जा नहीं पाए। तो आज सोचा कि आज चलते चलते, चलो फाइनली है ना बच्चों, तो आज पापा आपको मॉल घुमाएंगे। ये ढिंका चिका करने के चक्कर में पूरा पोहा उन्होंने हलवा बना दिया। बस ये एक साल से मैं वही झेल रहा हूँ, मुझे ना खाना मिलता है लेकिन हर बार खाने का अलग अलग टेस्ट, मानी अलग आलू की सब्जी होगी तो एक बार थोड़ी स्पाइसी होगी, एक बार नमक कम होगा, एक बार ज़्यादा होगा, और ये मुझे एक साल से झेलना पड़ रहा है। पर अब तो एक्सपीरियंस मिलते हैं शादी के बाद। अब मुझे आदत पड़ गई है, अब मुझे पता है कि आज खाने में कुछ नया टेस्ट होगा, जैसे कि पोहा देख लो, पोहा बनाया आज मैंने, पोहा का हलवा बना दिया, लेकिन क्या करें, खाना पड़ेगा भाई, दोनों का हो जाएगा ना, हलवा भी खा लो आज के दिन और वो भी खा लो। सो इंटेलिजेंट, ऐसी इंटेलिजेंट वाइफ भगवान सबको दे। ऑलराइट, सो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं एक केक हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए, और यहाँ से पड़ोस के बच्चे आ रखे, इनसे मिलिए। यह है अनिरुद्ध, यह है सबसे नटखट आराध्या। ओके, सो फाइनली जला दी है कैंडल, और अब करते हैं ब्लॉग। अभी तुम यहाँ पर आ जाओ, इस तरफ आगे आ जाओ, जल्दी से यशवी को भी ले लो आगे, नीचे बैठो सबके सब, थोड़े हल्के से नीचे झुको, और अब फूंक मारो जोर से सब चारों मिलकर। ओ तो हमने बच्चों के साथ हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो चॉकलेट ये लेके आई हमारे लिए, है ना। हाउ स्वीट यार, इतनी प्यारी बच्ची है ना। सो इनकी तरफ से मिला मैं चॉकलेट, हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट किसी ने तो दिया कम से कम। ओके, सो हमारे घर में एक और पड़ोसी के लड़के आ चुके हैं, नूतन भाभी के, नूतन दीदी के, ये है विनायक ना और काव्या, और ये भी हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। वाओ मैन, थैंक यू। आपको गिफ्ट का आइडिया कैसे मिला, किसने बोला गिफ्ट आने के लिए आपको? मम्मा ने बोला। चलो, हाउ स्वीट यार, पड़ोसी काफ़ी अच्छे हमारे वैसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो, और ये है काव्या, बहुत ही होना लड़की है, हमारे पूरी कॉलोनी की मतलब एकदम इंटेलिजेंट लड़की, स्टार लड़की। और ये सबसे नटखट है, बहुत नटखट है, बाप रे, ये रोज़ मम्मी के हाथ की मार खाता है, डेली के डेली, है ना विनायक। विनायक
गणपति महाराज का मतलब जैसा नाम है वैसा ही इसके काम है, एकदम नटखट। हाँ विनायक ठीक हो तुम? चलो चलो देखो, अभी भी देखो इसकी हरकत कभी बंद नहीं होने वाली है। चलो बैठ जाओ सब लोग बच्चे लोग। देखो विनायक क्या कर रहा है, विनायक क्या कर रहा है बेटा बोलो। चलो गौरी केक काटो पहले तुम ना। तो फाइनली अब हम उनका हाथ पकड़ो, आपने बुझा दी। हाँ चलो केक चलो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, एनिवर्सरी ओ हो हो, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, वेरी गुड, हेलो वो वेरी गुड। चलो बस गौरी अब निकले तो ये कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत निकालो, जितना निकले उतना निकालो। तो अब थोड़ा सा मुझे खिला दो। खिलाने जा रहे हैं केक। नाइस कमेंट्री। मेरी बारी, मैं खिलाऊंगा तुम्हें, खुद ही खा रही हो अपने आप यार। आंटी मुंह पे भी लगा चल रहा है ना ना। अरे एनिवर्सरी है, बड़े थोड़ी है। कुछ 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 मुँह अच्छा लगना चाहिए कि कुछ केक वेक काटा है। चलो बेटा अभी आप सबकी बारी, ठीक है इधर आओ। मुझे छोटा कोना राधे विनायक। तो आराध्या को केक खिलाएंगे अभी, टैन टैन टैन। उसके बाद विनायक, चलो विनायक केक खाओ। उधर देखो कैमरे में देखो, टैन टैन टैन। मेरी उंगली मत खा जाना भाई। अनिरुद्ध बेटा आ जाओ आप। आपके अनिरुद्ध टैन टैन टैन। लो बेटा लो। आखिरी बार चलो ठीक है, हो गया। थोड़ी मस्ती मजाक होनी चाहिए यार। अरे ऐसा ही करो ना, खाली पैर ही हिलाना था, कुछ ही करना। चल चल ओहो, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है। काव्या एक एक स्टेप, चलो आ जाओ यार, वीडियो बन रहा है, चलो जल्दी जल्दी। ओ हो हो वेरी गुड, तुम भी डांस करो बेटा, तुम भी डांस करो। अरे कुछ 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 ओ हो आ इधर आ जा। ये भाग कितना रहा है, बाप रे। वेरी गुड, गौरी को देखो, दादा पूरे एक साल की कसर आज ही निकालेगी। चलो अनुरुद्ध, ओहो ओहो वाह वाह, क्या बात है। मैं भी आ जाऊँ। डांस करना किसे आता है? तो गाइस कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेशन की हमारी मैरिज एनिवर्सरी, पहली बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, और वी आर वेरी हैप्पी। बहुत ही अच्छा दिन गया हमारा आज का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखें, तब तक हैव अ ग्रेट लाइफ और बस खुश रहो, हैव अ गुड टाइम।